आप सबका स्वागत है शुभम ट्यूटोरियल्स में। आज मैं लेकर के आई हूँ मैथ्स 8 स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर जिसका नाम है एक्सपांशन फॉर्मूला। ये हम लोग का क्लास 4 चल रहा है। हम लोग ने क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 ये तीनों के तीनों एक्सरसाइज अच्छी तरीके से सिखा दिए। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। अब हम इसके लास्ट एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमारे वीडियो को एंड तक देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला दिया है ए प्लस बी प्लस सी डी होल स्क्वायर। हम लोग ने अभी तक सारे के सारे फॉर्मूला लगभग देख लिए थे, ये सिर्फ एक लास्ट फॉर्मूला बचा है। यही फॉर्मूला हम लोग को क्लास 4 मतलब एक्सरसाइज 5.4 में हम लोग को यूज़ होगा। तो हम लोग को ये एक्सपांड करना है और इसका आंसर निकालना है। तो मैं इन दोनों को स्क्वायर में, तो इन दोनों को पहले स्प्लिट कर दूंगी और फिर फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट कर देंगे, जो कि हमने लास्ट में भी किए हैं लास्ट एक्सरसाइजेज में। चलिए यहाँ पर मैं शुरू कर रही हूँ। मैं पहले इन दोनों को स्प्लिट कर लूंगी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। तो ये देखिए मैंने इन दोनों को स्प्लिट कर लिया है। अब मैं, ये फर्स्ट ब्रैकेट है हम लोग का, ये सेकेंड ब्रैकेट है, तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगी एक दूसरे से। तो पहले मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगी सेकेंड ब्रैकेट को, मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ, और फिर मैं यहाँ पर ए से मैंने कर दिया है, अभी मैं बी से कर दूंगी। तो मैं बी से कर दे रही हूँ यहाँ पर, फिर मैंने बी से कर दिया, अब मैं सी से कर दूंगी। तो ये तो हम लोग ने मल्टीप्लाई मतलब स्टेप्स तो लिख दिया है, अब हम लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पर मेरा a इंटू ए हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर, और ये a इंटू बी हो जाएगा ए बी, फिर a इंटू सी हो जाएगा मेरा ए सी, और फिर b इंटू ए हो जाएगा मेरा बी ए, फिर b इंटू बी हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर, और b इंटू सी हो जाएगा मेरा बी सी। ठीक है, ये मेरा हो गया। अभी c से मैं कर दूंगी, तो c इंटू ए हो जाएगा मेरा सी ए, और फिर b इंटू सी हो जाएगा मेरा सी बी, और फिर सी इंटू सी हो जाएगा मेरा सी स्क्वायर। तो देखिए ये तो हम लोग ने मल्टीप्लाई तो कर लिया है, अब हम लोग को इसके लाइक टर्म्स देखने हैं, इन दोनों को प्लस करना है, और जो आंसर आएगा वो हम लोग को लास्ट में लिख देना है। तो मैं यहाँ पर कर लूंगी पहले ए स्क्वायर का, तो कोई लाइक टर्म है नहीं, तो उसको मैं एज इट इज ऐसे ही लिख दूंगी नीचे। और फिर ए बी का देखेंगे हम लोग, तो ए बी का है एक ये ए बी और एक ये बी ए, और भी और तो कुछ है नहीं, तो मैं इन दोनों को प्लस कर लूंगी तो मेरा आ जाएगा 2AB। फिर इधर ए सी का मैं देखूंगी, तो एक ये ए सी है और एक ये ए सी है, तो इधर मुझे मिल जाएगा 2AC। फिर बी स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर का कोई लाइक टर्म है ही नहीं, फिर यहाँ पर बी सी और यहाँ पर सी बी है, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगी 2BC लिख लूंगी, और ये सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का ये सब सॉल्व हो चुका है, एक्सपेंशन हो चुका है हम लोग का, और हम लोग का ये फॉर्मूला भी आ चुका है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। यही फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है सम्स में। तो चलिए अब हम कुछ सम्स पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को एक फर्स्ट सम दिया है 2P + Q + 5D² ये भी हम लोग को वैसे ही करना है ए प्लस बी प्लस सी वाला। यहाँ पर मैं पहले इन तीनों को अज्यूम कर लूंगी ए बी सी, और फिर हम सॉल्व कर देंगे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके जो हम लोग ने सॉल्व किया था लास्ट में, वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके। तो पहले मैं यहाँ पर 2p को ले लूंगी a, q को ले लूंगी मैं b, और 5 को ले लूंगी मैं c। तो यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया है। अब मैं इन सब का फॉर्मूला डाल दूंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये हम लोग ने फॉर्मूला डाल दिया है। अब हम लोग ने जो ए बी सी अज्यूम किया था उसको हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगी 2p का मेरा है a, 2p² प्लस b का है मेरा q² प्लस c का है मेरा 5 का स्क्वायर, एंड देन यहाँ पर 2ab है, तो मतलब 2 × 2p + × bq आया जाएगा, क्योंकि 2ab है ना। तो यहाँ पर ये 2p मेरा a है और q मेरा b है। यहाँ पर फिर मैं लिख लूंगी 2bc, यहाँ पर लिखना है हम लोग को, तो 2 × q × 5। ठीक है, ये हम लोग का इतना हो गया। फिर प्लस 2ac, a है हम लोग का 2p और c है हम लोग का 5।
ठीक है, इतना हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर मेरा 2p का आंसर आ जाएगा 4p³, 4p² फिर ये मेरा आ जाएगा q², फिर ये मेरा 5 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा 25, और फिर ये मेरा आ जाएगा 2 2 4, 4pq हो जाएगा, और फिर ये 2 5 हो जाएगा मेरा 20 क्यूब, 2 5 हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा मेरा 10 क्यू हो जाएगा, और फिर यहाँ पर मेरा हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा 20 20 क्यू 20p। ठीक है, इतना हम लोग का ये सॉल्व हो चुका है, इतना ही था बस इसमें, बहुत ही इजी सम था ये भी। तो चलिए अब हम सेकंड सम पर चलते हैं। हम लोग को सेकंड सम में दिया है 3x + 4y - 5p² इसमें भी हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करके जैसे हम लोग ने लास्ट सम में किया था वैसे ही कर देना है। ए बी सी अज्यूम कर लूंगी मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं 3x को ले लूंगी ए, 4y को ले लूंगी मैं बी, और -5p है तो यहाँ पर हम लोग माइनस अज्यूम करेंगे साथ में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, हम लोग को माइनस अज्यूम ही करना है, वरना हम लोग का आंसर राइट नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ए बी सी अज्यूम कर लिया, अब मैं फॉर्मूला लिख दूंगी और फिर हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला था a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ठीक है, ये हम लोग ने फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम लोग ने जो ए बी सी अज्यूम किया था वो हम लोग का लिख लेंगे इधर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 3x² फिर 4y² माइनस, यहाँ पर तो हम लोग को प्लस दिया है तो हम लोग प्लस लिख देंगे c² के यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ब्रैकेट के अंदर हम लोग को -5 लिखना है पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 5 माइनस में है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगी -5p² फिर यहाँ पर 2ab आ जाएगा मेरा 2 × 3x × 4y। ठीक है, फिर 2bc बोला है +2 × 4y -5। ठीक है, इतना हम लोग का हो गया। फिर 2ac बोला है तो 2 × 3x - 5। ठीक है, ये तो हम लोग का हो गया है। अब हम लोग को इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर हम लोग सॉल्व कर देंगे आगे, और फिर यहाँ पर मेरा मल्टीप्लाई करके आएगा 3 3 9 हो जाएगा मेरा 9x², फिर इधर आ जाएगा मेरा 4 4 हो जाएगा 16y², 5 5 हो जाएगा मेरा 25, माइनस है हम लोग का, -×- हो जाएगा हम लोग का प्लस, तो 25p² आ जाएगा मेरा +25p². ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2 3 हो जाएगा 6 6 4 हो जाएगा मेरा 24 24xy आ जाएगा मेरा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 3x और 4y दोनों दिया, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 24xy। फिर यहाँ पर हम लोग का -5p, 2 2 4 हो जाएगा मेरा 8, और 8 5 हो जाएगा मेरा 40, बट हम लोग का 5 माइनस में है तो -×+ हम लोग का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 40 - 40py। तो यहाँ पर हम लोग का इतना सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग को 2 3 हो जाएगा मेरा 6, और फिर 6 5 हो जाएगा मेरा 30, लेकिन 5 हम लोग का माइनस में है तो +×- हम लोग का माइनस हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा कुछ -30xp या फिर px, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं जैसा हम लोग का मन करे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का सम सॉल्व हो चुका, कितना इजी सम था ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज हम लोग का लगभग खत्म होने आया है, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज और बहुत ही इजी चैप्टर से ये। तो चलिए अब हम थर्ड सम पर चलते हैं। लिखा है 7n - 3n - 4k² इसको भी हम लोग को वैसे ही करना है, तो यहाँ पर मैं ए बी अज्यूम कर लूंगी, यहाँ पर मैं 7m को ले लूंगी ए, -3 को ले लूंगी मैं बी, और -4k को ले लूंगी मैं सी। ठीक है, फिर मैं फॉर्मूला लिख दूंगी यहाँ पर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ठीक है, ये हम लोग ने फॉर्मूला लिख दिया, अब मैं अप्लाई कर दूंगी। यहाँ पर मेरा 7m² + -3n² + -4k². ठीक है, और फिर यहाँ पर 2ab हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा 7m × -3n, फिर 2bc बोला है +2 - 3n -
ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा मेरा प्लस टू ए सी बोला है तो 7m इन टू माइनस 4k। हम लोग ने ये अप्लाई कर लिया, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर मेरा 7 7 हो जाएगा 49m स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी मेरा हो जाएगा 3 3 9 और ये माइनस में है तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 हम लोग का प्लस 3 और प्लस 9 हो जाएगा तो यहाँ पर मेरा प्लस 9 स्क्वायर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर मेरा 4 4 हो जाएगा 16, ये भी माइनस में है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्क्वायर है तो यहाँ पर मेरा प्लस में ही हो जाएगा ये 16k स्क्वायर, फिर यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2 7 हो जाएगा मेरा 14 और 43 हो जाएगा मेरा 42, लेकिन यहाँ पर मेरा ये प्लस इंटू माइनस है तो प्लस इंटू माइनस हम लोग का हो जाएगा माइनस में, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 42 mn माइनस 42 mn, और फिर यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसे ही है 2 3 हो जाएगा मेरा 6 और 6 4 आ जाएगा मेरा 24, पर ये माइनस इंटू माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इंटू प्लस हम लोग का ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 24 nk, पर भी मेरा हो जाएगा 2 7 मैं कर लूंगी तो 14 हो जाएगा और 14 4 हो जाएगा मेरा 56, लेकिन ये प्लस इंटू माइनस है तो प्लस इंटू माइनस मेरा करके आएगा माइनस, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी माइनस 56 km या mk, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग जो मन करें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का ये सब सॉल्व हो चुका है, कितना इजी सम था ये देखिए। अब हम चलिए कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले सम पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को सिंप्लीफिकेशन के फर्स्ट सम में दिखाया है x माइनस 2y प्लस 3 दी होल स्क्वायर एंड प्लस x प्लस 2y माइनस 3 दी होल स्क्वायर, मतलब इसमें हम लोग को a प्लस b प्लस c का दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को दोनों में सेपरेटली डाल करके यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, पहले हम लोग को ये वाला करना है फिर ये वाला, तो मैं पहले यहाँ पर कर रही हूँ x को ले रही हूँ a, 2y को ले रही हूँ b और c, 3 को ले रही हूँ मैं c, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगी। हम लोग का फॉर्मूला था कुछ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, हम लोग का ये फॉर्मूला था, तो यही फॉर्मूला में हम लोग को ये अप्लाई कर देना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x इंटू माइनस, यहाँ पर हम लोग को 2y माइनस में है तो हम लोग को माइनस में ही लेना है उसको, मैं यहाँ पर लिख दूंगी माइनस 2y 2ab प्लस 2bc माइनस 2y इंटू 3 फिर 2ac 2x इंटू 3। ठीक है, ये तो हम लोग का हो गया फर्स्ट ब्रैकेट का, अब हम लोग को सेकंड ब्रैकेट का भी ऐसे ही कर लेना है, और बीच में प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन डाल दूंगी और फिर हम लोग इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग को माइनस 3 दिया है तो हम लोग को माइनस 3 लिखना है, माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू 2y फिर 2bc बोला है तो 2 इंटू 2y इंटू माइनस 3 एंड देन ac बोला है तो 2 इंटू x एंड माइनस 3। तो ये तो हम लोग ने दोनों को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया हम लोग ने, अब इसको हम लोग ब्रैकेट ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रहेगा हम लोग का आंसर में आएगा वो हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर मेरा आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये 2 माइनस में है और स्क्वायर बोला है तो 2 2 हो जाएगा मेरा 4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर मेरा डायरेक्टली आ जाएगा प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पर मेरा प्लस 3 3 हो जाएगा मेरा 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2 इंटू एक्स मेरा 2x हो जाएगा और माइनस 2 इंटू वाई करेंगे हम लोग तो हम लोग का प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 4xy आ जाएगा मेरा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी माइनस 4xy। फिर यहाँ पर भी मेरा कुछ ऐसा ही होगा माइनस टू इंटू प्लस 2 हो जाएगा मेरा माइनस 4 और फिर 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आ जाएगा मेरा 12, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी माइनस 12y। फिर यहाँ पर मेरा 2 3 हो जाएगा 6 और 6 इंटू एक्स हो जाएगा मेरा 6x और यहाँ पर प्लस है तो मैं प्लस ही डाल दूंगी। ये हम लोग का फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया, हम लोग को सेकंड ब्रैकेट भी ऐसे ही सॉल्व कर लेना है,
यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर टू वाई का टू वाई स्क्वायर का आ जाएगा मेरा फोर वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हम लोग को थ्री माइनस में दिया है तो माइनस इंटू माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा और नाइन आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पर मैं प्लस नाइन, फिर यहाँ पर हम लोग को दिया है टू इंटू एक्स, मेरा टू एक्स हो जाएगा और टू टू जो हो जाएगा मेरा फोर, तो फोर एक्स वाई आ जाएगा मेरा, मैं यहाँ पर लिख दूंगी फोर एक्स वाई, और फिर यहाँ पर मेरा टू इंटू टू हो जाएगा मेरा फोर, और फोर इंटू थ्री हो जाएगा मेरा फोर इंटू थ्री हो जाएगा मेरा ट्वेल्व, लेकिन थ्री हम लोग का माइनस में है तो हम लोग को प्लस इंटू माइनस करके माइनस आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगी माइनस ट्वेल्व वाई, और फिर यहाँ पर भी मेरा टू थ्री जा हो जाएगा सिक्स, लेकिन थ्री हम लोग का माइनस में है तो माइनस इंटू प्लस हम लोग का माइनस हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा कुछ सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स। ठीक है, ये तो हम लोग का इतना सॉल्व हो गया। अब हम लोग को इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना है, मैं यहाँ पर निकाल लूंगी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस फोर एक्स वाई माइनस ट्वेल्व वाई प्लस सिक्स एक्स। ठीक है, तो ये हम लोग ने फर्स्ट वाला ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया है, और हम लोग को बीच में प्लस का साइन है तो हम लोग को प्लस और माइनस का साइन ध्यान में रख करके निकालना है। यहाँ पर प्लस ही है तो प्लस इंटू प्लस तो मेरा प्लस ही हो जाएगा, और प्लस फोर वाई इंटू प्लस मेरा प्लस फोर वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, फिर ये भी मेरा प्लस में ही रहेगा, फिर ये भी मेरा प्लस में रहेगा फोर एक्स वाई, और प्लस इंटू माइनस मेरा माइनस हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगी माइनस ट्वेल्व वाई, फिर यहाँ पर मेरा प्लस इंटू माइनस मेरा माइनस ही रहेगा तो माइनस सिक्स एक्स। ठीक है, ये तो हम लोग ने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया है। अब हम लोग को जो कॉमन टर्म्स है उसको हम लोग को प्लस कर लेना है, और जो भी सेम साइन वाले हैं मतलब डिफरेंट साइन वाले हैं उसको हम लोग को कैंसिल कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरा टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर फोर वाई स्क्वायर और फोर वाई स्क्वायर दोनों प्लस में है तो प्लस करके आ जाएगा मेरा एट वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस नाइन है इधर और इधर भी प्लस नाइन है तो इधर मेरा आ जाएगा प्लस करके एटीन, फिर इधर माइनस फोर एक्स वाई है और इधर भी मेरा प्लस फोर एक्स वाई है, तो इन दोनों को मैं कैंसिल कर लूँगी क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन में है। ठीक है, और फिर मेरा ये ट्वेल्व वाई है माइनस में और इधर भी माइनस में ट्वेल्व वाई है तो इन दोनों को मैं प्लस करूँगी तो आ जाएगा मेरा माइनस ट्वेंटी फोर वाई, और फिर इधर प्लस सिक्स एक्स है और इधर माइनस सिक्स है तो कैंसिल हो जाएगा ये हम लोग का। तो देखिए हम लोग का सब कितनी अच्छी तरीके से और आसानी से आ गया है। हम लोग का आंसर आया टू एक्स स्क्वायर प्लस एट वाई प्लस एटीन एंड माइनस ट्वेंटी फोर वाई। तो यही हम लोग का आंसर था सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट सम का। हम लोग ने ऐसे ही सारे सम सॉल्व कर चुके हैं और हम लोग का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो चुका है। हम लोग ने क्लास वन क्लास टू और क्लास थ्री के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं। हम लोग का टेलीग्राम पर भी चैनल है, आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं शुभम ट्यूटोरियल्स के नाम से। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर